हेलो एवरीवन, लास्ट ट्यूटोरियल में हमने किया था स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे। एंड दिस ट्यूटोरियल वी विल डिस्कस स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी, जब हम एरे से स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो लिंक्ड लिस्ट की हमें जरूरत क्यों है? सी, जो भी हमारे एरे के डिसएडवांटेजेस है वो सेम रहेंगे। आपको पहले से साइज पता होना चाहिए कि आपके एरे का साइज कितना है, आपको कितने एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं। बट देयर माइट बी सम सिचुएशंस जहां आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आपके कितने एलिमेंट्स होंगे, राइट? सो उस केस में अगर आप स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग एरे, देयर माइट बी अ प्रॉब्लम कि या तो आपके पास मेमोरी आपने कम डिक्लेयर की है या फिर आपने ज्यादा कर दी है, राइट? सो इन दैट केस हम लिंक लिस्ट यूज कर सकते हैं स्टैक इम्प्लीमेंटेशन के लिए, क्योंकि स्टैक सिर्फ हमारे कॉन्सेप्ट है, इम्प्लीमेंट हम उसको एरे या लिंक लिस्ट के थ्रू करते हैं। ओके, सो लिंक लिस्ट के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं? से दिस इज आवर लिंक लिस्ट, स्टार्ट पॉइंटर है, 3 हमने नोड्स बनाई हुई है, सेम कॉन्सेप्ट है जैसे हमने लिंक लिस्ट में किया था। नाउ स्टैक में हमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करना होता है, दैट इज योर लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। दैट मीन्स आपके जितने भी ऑपरेशन है, इंसर्शन एंड डिलीशन, वो एक ही एंड पे होगा ना। वो एक एंड कोई भी एंड हो सकता है लिंक लिस्ट में, या तो हम ये वाला एंड ले सकते हैं जैसे हमने एरे के केस में लिया था, या फिर ये पीछे वाला एंड ले सकते हैं, राइट? नाउ मैं आपको पहले बताती हूँ, अगर हम लास्ट वाला एंड लेते हैं जैसे हमने एरे में किया था, कि इंसर्शन भी हम यहीं पर कर रहे हैं और डिलीशन भी यहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स पुश एंड पॉप दोनों ऑपरेशन इस एंड पे कर रहे हैं। सो ये आपका केस हो जाएगा इंसर्शन एट द एंड ऑफ योर लिंक लिस्ट एंड डिलीशन एट द एंड ऑफ योर लिंक लिस्ट। ठीक है, ये हम लिंक लिस्ट में कर चुके हैं दोनों केस को कवर। नाउ इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, देखो जब भी हम स्टैक इम्प्लीमेंट करेंगे एक टॉप हम लेंगे, एरे के केस में वो वेरिएबल होता है इंटीजर टाइप का, इन दिस केस इट विल बी अ पॉइंटर। नाउ टॉप हमारा पॉइंट कर रहा है लास्ट एलिमेंट को, सपोज हम पीछे वाला एंड ले रहे हैं कि पुश कर रहे हैं वो भी लास्ट में कर रहे हैं, एंड पॉप कर रहे हैं वो भी लास्ट नोड को कर रहे हैं। नाउ टॉप इज अ पॉइंटर जो पॉइंट कर रहा है जो भी आपकी लास्ट नोड है। नाउ अगर हमें इंसर्ट करना है, पुश करनी है एक न्यू नोड, तो वो आपका केस बन जाएगा इंसर्शन एट द एंड। उसमें आपको सिर्फ कुछ पॉइंटर्स अपडेट करने हैं, टॉप आपका ऑलरेडी लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, तो इस केस में आपको पूरा ट्रवर्स करने की जरूरत नहीं है। जनरली हम ऐसे ही करते थे, स्टार्टिंग से शुरू करते थे, लास्ट नोड तक जाते थे, क्योंकि हमें नहीं पता लास्ट नोड कहाँ है। बट इन दिस केस टॉप आपका पॉइंट कर रहा है लास्ट नोड को, आप डायरेक्टली कर सकते हो। सो पुश के केस में तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ वन, राइट? सिर्फ आपको पॉइंटर अपडेट करना है। बट इन केस ऑफ पॉप जिसमें आपको लास्ट नोड को डिलीट करना है, उसमें आप चाहोगे कि टॉप आपका पीछे वाली नोड को पॉइंट करे ना। पीछे वाली नोड को आप एक्सेस कैसे करोगे? अगर आप सिंगल लिंक लिस्ट ले रखा है जिसमें आप सिर्फ फॉरवर्ड मूव कर सकते हो, तो आपको सेकेंड लास्ट नोड पे पहुंचने के लिए शुरू से ट्रावर्स करना पड़ेगा। और जब भी आपको शुरू से ट्रावर्स करना पड़ता है, उस केस में आपकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है ऑर्डर ऑफ एन। सो पुश में तो ऑर्डर ऑफ वन है, गुड, बट इन केस ऑफ पॉप इट विल बी बिग ऑफ एन। इसलिए जब भी हम लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे, लास्ट वाला एंड नहीं लेंगे, वी विल ऑलवेज गो फॉर स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, सो रिवर्स होता है, एरे में हम लास्ट में करते हैं, इन केस ऑफ लिंक लिस्ट हम स्टार्टिंग में करते हैं। सो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, पुश एंड पॉप दोनों ऑपरेशन एट द बिगनिंग ऑफ लिंक लिस्ट करने वाले हैं। सो बिगनिंग ऑफ लिंक लिस्ट के दोनों एल्गोरिदम इसमें वर्क करेंगे, इंसर्शन एट द बिगनिंग एंड डिलीशन एट द बिगनिंग। ओके, नाउ टॉप की बात करते हैं, टॉप आपका पॉइंट करेगा फर्स्ट नोड को, क्योंकि फर्स्ट नोड ही हमारी होगी जो लेटेस्ट नोड है। सो बेसिकली हमारी ये लिंक लिस्ट कैसे बनेगी, सबसे पहले ये नोड आई 31, उसके बाद आई 14, उसके बाद आई आपकी 23। सो लेटेस्ट नोड कौन सी होगी, 23, जो आपकी फर्स्ट नोड है, राइट? अब टॉप हमेशा फर्स्ट नोड को ही पॉइंट करेगा और स्टार्ट भी हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है, तो हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट की जगह एक नेम हमने रख लिया टॉप। स्टार्ट तो सिर्फ एक नेम लिया हुआ है हमने पॉइंटर का, रादर देन यूजिंग वर्ड स्टार्ट हम टॉप यूज कर लेंगे। बेसिकली हमारा पर्पस वही है कि ओके फर्स्ट नोड को पॉइंट करना, क्योंकि वो हमारी लेटेस्ट नोड होगी, क्योंकि जो भी नोड्स आ रही है हम उनको आगे की तरफ पुश करेंगे, आगे की तरफ इंसर्ट करेंगे और डिलीट भी करेंगे, तो फर्स्ट नोड को सबसे पहले डिलीट करेंगे, फिर सेकेंड नोड को एंड देन थर्ड नोड को, ये हमें इम्प्लीमेंट करना है। सो हम स्टार्ट की जगह
वर्ड चेंज करके ले लेते हैं टॉप. ओके, नाउ फर्स्ट ऑपरेशन इज पुश ऑपरेशन. एल्गोरिदम बिल्कुल सेम रहेगी आपकी जो आपकी इंसर्शन एट द बिगनिंग इन लिंक लिस्ट है. इसमें हमने एल्गोरिदम को नेम दे दिया पुश. उसके अंदर हमने क्या क्या वेरिएबल लिए हुए हैं, एक नोड में हमने दो फील्ड बनाए हैं, इन्फॉर्मेशन पार्ट एंड लिंक पार्ट, और एक हमारा टॉप पॉइंटर. स्टार्ट की जगह हमने टॉप ले लिया. फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम है, क्रिएट अ न्यू नोड टेम्प विद गिवन वैल्यू. जो भी वैल्यू हमें इंसर्ट करनी है लिंक लिस्ट में उसी एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे. ये सेम एल्गोरिदम है जो हम कर चुके हैं इंसर्शन एट द बिगनिंग. एक नोड हमने क्रिएट कर ली यहाँ पर, उस नोड को हम पॉइंट करवा रहे हैं यूजिंग पॉइंटर टेम्प. उसके अंदर सपोज हमें 19 वैल्यू डालनी थी और उसके एड्रेस फील्ड को या फिर जो लिंक पार्ट है उसको हम कर देंगे नल. डन, क्रिएट हो गई है हमारी फर्स्ट नोड. नेक्स्ट हमें पॉइंटर्स को अपडेट करना है. नाउ पॉइंटर्स कौन कौन से अपडेट करने हैं, इंसर्शन एट द बिगनिंग में भी हमने किया था. ये दो पॉइंटर्स है जो हमें क्रिएट करने हैं. और हमेशा आप सबसे पहले जो नोड नई बनाई है उसके पॉइंटर को अपडेट करोगे. सो सबसे पहले आप इस वाले पॉइंटर को अपडेट करोगे. इस पॉइंटर को अपडेट करने का मतलब है टेम्प के लिंक पार्ट पे जाके उसके अंदर हमें फर्स्ट नोड का एड्रेस डालना है. फर्स्ट नोड का एड्रेस किसके पास है, टॉप के पास. सो हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी टेम्प एरो लिंक इक्वल्स टू टॉप, राइट. ये लिंक आपका क्रिएट हो जाएगा जैसे ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. डन. अब दूसरा लिंक हमें ये वाला क्रिएट करना है टॉप से टेम्प तक. सो बेसिकली टॉप में हमें डालना है टेम्प. सो वी विल राइट टॉप इक्वल्स टू टेम्प. ये लिंक भी क्रिएट हो जाएगा. जैसे ही ये लिंक आपका क्रिएट होगा टॉप का पहले वाला लिंक अपने आप डिलीट हो जाएगा क्योंकि टॉप हमारा एक पॉइंटर है, एक ही एड्रेस डाल सकते हैं, राइट. सो ये लिंक रिमूव हो जाएगा. डन. सिर्फ ये दो पॉइंटर्स हम अपडेट करते थे इंसर्शन एट द बिगनिंग ऑफ लिंक लिस्ट. सेम प्रोसेस फॉलो करना है और ये नोड आपकी इंसर्ट हो जाएगी एट द बिगनिंग. नाउ दिस इज योर लेटेस्ट नोड जो अभी आपने इंसर्ट किया. तो जब आप डिलीट करोगे तब आप हमेशा इसी नोड को सबसे पहले डिलीट करोगे. सबसे पहले फर्स्ट नोड पॉप होगी, देन योर सेकेंड, देन योर थर्ड एंड सो ऑन. ओके, सो जब भी आप स्टैक को लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करोगे आपके सिर्फ दो ऑपरेशंस वर्क करेंगे, इंसर्शन एट द बिगनिंग ऑफ लिंक लिस्ट एंड डिलीशन एट द बिगनिंग ऑफ लिंक लिस्ट. बाकी सारे ऑपरेशंस वर्क नहीं करेंगे इंसर्शन एंड डिलीशन इन बिटवीन एंड लास्ट. ये दोनों आपके ऑप्शंस में ही नहीं होंगे तब भी आप स्टैक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग लिंक लिस्ट. ओके, नाउ वन मोर थिंग. जब हमने एरे के थ्रू किया था स्टैक को इम्प्लीमेंट, हमने एक कंडीशन की थी ओवरफ्लो की. बट इन केस ऑफ लिंक लिस्ट देयर विल बी नो ओवरफ्लो. ओवरफ्लो कब होता है, जो आपने स्पेस दिया है वो फुल हो गया. बट लिंक लिस्ट के केस में आपको पहले से साइज डिक्लेयर नहीं करना होता. जैसे जैसे आपकी नई वैल्यूज आती जाएगी आप नोड क्रिएट करते जाओगे, वो रन टाइम पे होता है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होता है, राइट. सो जब भी आप स्टैक को लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करोगे देयर विल बी नो ओवरफ्लो कंडीशन. ओके, सो ये था आपका पुश ऑपरेशन और इंसर्शन एट द बिगनिंग ऑफ योर लिंक लिस्ट. नेक्स्ट हम करते हैं पॉप ऑपरेशन, जब आपको डिलीट करना है. सो डिलीट भी हम स्टार्टिंग से करेंगे, बिगनिंग वाली नोड को करेंगे. सो कौन सी नोड को डिलीट करेंगे, जो भी टॉप पॉइंट कर रहा है. टॉप किसको पॉइंट कर रहा है, हमेशा फर्स्ट नोड को. सो दिस विल बी योर केस ऑफ डिलीशन एट द बिगनिंग. आपकी एल्गोरिदम बिल्कुल सेम है, हमने एल्गोरिदम को नेम दे दिया पॉप. उसके अंदर हमने क्या क्या वेरिएबल्स ऑलरेडी लिए हुए हैं, इन्फो एंड लिंक, वो नोड का स्ट्रक्चर में है, नोड के दोनों फील्ड है, एंड योर टॉप वो आपका स्टार्ट पॉइंटर है, राइट. फर्स्ट स्टेप क्या है, नाउ इन केस ऑफ पॉप और डिलीशन उसमें आप चेक करोगे क्या आपका स्टैक एम्प्टी है, क्योंकि इट माइट बी पॉसिबल कि आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी है. अगर एम्प्टी लिंक लिस्ट में से आप कुछ डिलीट करने की कोशिश करोगे दैट विल बी योर अंडरफ्लो कंडीशन. सो ओवरफ्लो नहीं होगा बट अंडरफ्लो कंडीशन होगी. सो फर्स्ट स्टेप इज चेक वेदर योर स्टैक इज एम्प्टी. कैसे पता चलेगा हमारा स्टैक एम्प्टी है, जब आपका टॉप नल होगा, राइट. सो योर फर्स्ट कंडीशन इज चेक वेदर टॉप इज नल और नॉट. अगर वो एम्प्टी है, इफ इट इज एम्प्टी देन यू विल डिस्प्ले ओके स्टैक इज एम्प्टी, डिलीशन इज नॉट पॉसिबल. एम्प्टी है दैट मीन्स कोई भी नोड नहीं है, टॉप किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, सो आप डिलीट नहीं कर सकते और आप एग्जिट कर जाओगे.
बट अगर आपका स्टैक एम्प्टी नहीं है, दैट मीन्स कोई वैल्यू है, टॉप किसी नोड को पॉइंट कर रहा है, उस केस में हमें डिलीशन करना है, डिलीशन एट द बिगनिंग। वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एक पॉइंटर बनाएंगे टैम्प, जो पॉइंट करेगा फर्स्ट नोड को जिसको हमें डिलीट करना है। एक पॉइंटर क्रिएट कर लिया टैम्प, वो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, इसके लिए आपकी स्टेटमेंट हो जाएगी टैम्प इक्वल्स टू टॉप। नाउ ये नोड क्रिएट करने के बाद हमें सिर्फ फर्स्ट नोड को डिलीट करना है, सो बेसिकली हमें टॉप को पॉइंट करवाना है सेकेंड नोड को। सो दैट वॉज योर डिलीशन एट द बिगिनिंग। कैसे करेंगे? आपकी सिंपल सी स्टेटमेंट है टॉप इक्वल्स टू टॉप एरो लिंक, ठीक है, क्योंकि सेकेंड नोड का एड्रेस फर्स्ट नोड के एड्रेस पार्ट में है। सो यू कैन राइट टॉप इक्वल्स टू टॉप एरो लिंक, या फिर आप कर सकते हो टॉप इक्वल्स टू टैम्प एरो लिंक, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू आप कर सकते हो। और जैसे ही आप ये स्टेटमेंट दोगे, आपकी नोड डिलीट हो जाएगी और आपका टॉप पॉइंट करेगा योर सेकेंड नोड को, ओके। एंड आपके सी सी प्लस प्लस में एक फंक्शन भी है फ्री करने के लिए उस स्पेस को, दैट फंक्शन इज फ्री। फ्री आपका फंक्शन है, आप वो फंक्शन लिखो ब्रैकेट में योर पॉइंटर, जो भी उस नोड को पॉइंट कर रहा है, जो हम डिलीट कर रहे हैं वो हमारा टैम्प था, सो फ्री टैम्प, उससे वो नोड बिल्कुल डिलीट हो जाएगी। सो दिस वॉज पॉप। पॉप हमेशा सिर्फ उस नोड को करना है जिसको टॉप पॉइंट कर रहा है, दैट मीन्स योर फर्स्ट नोड। नाउ इन दोनों केस में पुश एंड पॉप योर कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ वन, क्योंकि आपको पूरी लिस्ट को ट्रावर्स नहीं करना है, यू आर ओनली डिलीटिंग योर फर्स्ट नोड एंड इंसर्टिंग एट द बिगनिंग। सो दिस वॉज क्वाइट सिंपल। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू ऑल।